सारा अहमद जो चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की, उनसे हम बात भी करते हैं और वो हमें इसके बारे में जो है वो आगाह भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सारा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सारा कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। जी आपने बात की चाइल्ड लेबर की, तो मैं आपको थोड़ा बताती हूँ इसमें डिटेल में कि बेसिकली बहुत ज्यादा वाकयात आते हैं, बड़े अफसोसनाक वाकयात होते हैं कि बहुत कम उम्र बच्चों से मुलाजमत की जाती है, करवाई जाती है, उनके माँ बाप जो है वो उनको इस प्रोफेशन में डालते हैं। और वो स्टार्ट होता है तकरीबन जब बच्चा 6-7 साल के, भी मैंने बच्चों को देखा है एम्प्लॉयमेंट पे, 6-7 साल से लेके ऑनवर्ड उनको एम्प्लॉयमेंट पे रखवाया जाता है और उसको माँ बाप उनकी वो जो कमाते हैं वो लेते हैं, वो ले रहे होते हैं। अच्छा अब इसमें द थिंग इज दैट हमारा जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का पीडीएमसी एक्ट है, पंजाब डेस्टिट्यूट एंड निगलेक्टेड चिल्ड्रंस एक्ट, इसमें जो सेक्शन होते हैं हमें उसके मुताबिक हम काम करते हैं। तो ये हमारा डायरेक्टली मैंडेट में नहीं आता चाइल्ड लेबर, बेसिकली ये आता है लेबर डिपार्टमेंट के अंदर, लेबर मिनिस्ट्री, लेबर डिपार्टमेंट, इसका लॉ मौजूद है पंजाब डोमेस्टिक लेबर एक्ट हुआ पास, और अकॉर्डिंग टू दैट 15 साल से कम उम्र बच्चे को आप मुलाजमत पर रख ही नहीं सकते। सही। तो ये मौजूद है लेकिन हम इसकी क्लियर वायलेशन देखते हैं। अब हमारे जो कानून है पीडीएमसी एक्ट, उसमें एक सेक्शन है अनऑथराइज कस्टडी का, तो उसके तहत हम क्या करते हैं जब बच्चे में तशद्दुद होता है और हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कहीं से, फिर हम इंटरवीन करते हैं क्योंकि अदरवाइज लेबर डिपार्टमेंट के अंडर आता है। लेकिन अगर उस बच्चे पे कोई भी अब्यूज किया जाए, टॉर्चर हो, फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो FIR जो है वो रजिस्टर करवा के उस बच्चे को अपनी तहवील में लेने का हम कोर्ट को कहते हैं कि इसको हमारी तहवील में दिया जाए क्योंकि वह उस जगह पे अनसेफ है। और हमने अभी जो आपने फेमस वो देखा है, ये बड़ा मशहूर हुआ वाकया जो वाकया हुआ, इस पे मैं बल्कि आपको टाई अप भी कर रही थी लेकिन आपकी मसरूफियत की बिना पर जो है वो टाइम नहीं मिल सका, तो आज आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। तो इसी हवाले से बात करूंगी कि अब ये मामला कहाँ तक पहुँचा और आप लोगों ने किस तरह इसको जो है वो टेक ओवर किया। जी देखिए सबसे पहले तो हमारी प्रायोरिटी थी कि उस बच्ची की जो 12 साल सदफ उसकी कस्टडी ली जाए, राइट, क्योंकि पहले हमें कस्टडी नहीं दी गई थी। अब हमें उसकी कस्टडी कोर्ट के थ्रू, हमने कोर्ट में एप्लीकेशन सबमिट की, हमें अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कस्टडी मिल गई, वो बच्ची हमारे पास है अब सदफ। अच्छा। उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी हो रही है और उसको माँ बाप को हम नहीं देना चाहते क्योंकि हमें लगता है कि वही माँ बाप है जिन्होंने उसको एम्प्लॉयमेंट पे रखवाया था। दूसरी बात, फिर हमने FIR रजिस्टर करवाई थी, आपको पता होगा हमारे ये भी वर कंप्लेनेंट और अभी भी वो हम केस को टेकअप कर रहे हैं, उसकी बेल हो गई, फिर हमने दो और दरखास्तें दी हैं कोर्ट में कि वो बेल कैंसिल हो और नए, ताकि उसमें FIR में नए सेक्शन ऐड करवाने की हमने दिए। प्लस हमने वो जो हमजा है बच्चा जिसने मारा था इस बच्ची को, उसकी कस्टडी भी हम लेना चाहते हैं बिकॉज हमें लगता है वो भी मुआशरे में एक वायलेंट शहरी बन जाएगा क्योंकि वो अभी अगर इस स्टेज में मार रहा है तो बड़े होके वो तो बड़ा हार्मफुल सिटीजन बन सकता है। तो हमने उसकी भी कस्टडी के लिए अप्लाई किया, बट उसकी हियरिंग 2 दिन बाद है आज से हमजा की कस्टडी की, और 21 दिसंबर को है हियरिंग उसकी, जो हमने सेक्शन ऐड करवाया ना इस मुकदमे में। सारा इसमें तो बहुत से थ्रेड्स भी होते होंगे, बहुत आपको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता होगा बीइंग अ लेडी। आप माशाल्लाह इतने बड़े जो है वो सेटअप चला रही हैं बच्चों की जो है वो केयर के लिए और इस तरह के चाइल्ड लेबर के लिए जिस तरह आप काम कर रही हैं, इसमें मुश्किलात क्या क्या आती हैं, सबसे ज्यादा कहाँ प्रॉब्लम जो है वो आ रही होती है जिसको फेस करना पड़ता है? वैसे तो जाहिर बात है आप लोग फेस कर ही रहे हैं और करते ही आएंगे और आगे भी करेंगे, लेकिन फिर जी देखिए ऑफकोर्स बिल्कुल आपने सही मेंशन किया कि ये हाई रिस्क काम होता है और इसमें वैसे भी बहुत सिफारिश भी आ रही होती है, सिफारिशात आती हैं, अब पॉलिटिकल होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वार्टर से सिफारिशात आ रही होती हैं मुल्जिम के, ताकि आप ये मुकदमा वापस ले लें, आप पीछे हट जाएं। जाहिर हमारे सिर्फ इस मामले में नहीं, मतलब हर केस में आ रहा होता है, हम बेगर्स के खिलाफ हम बेगर्स को अरेस्ट करवाते हैं, उसमें थ्रेट्स आ रही होती हैं। जी लेकिन अब बात ये कि यू नो वन हैज टू बी डिटरमिन्ड एंड स्ट्रांग, अगर आपने एक आपका प्रिंसिपल स्टैंड लिया है कि हमने एक चीज का खात्मा करना है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तो फिर हम ऑफकोर्स डर के एलिमेंट से बाहर होते हैं और फिर हम अपना काम पे बस तवज्जो देते हैं, चीजों को इग्नोर करते हैं और अल्लाह मियां यू नो ऑलरेडी प्रोटेक्शन अल्लाह की सबके साथ होती है, जो सही इंटेंशन से काम करें। ऐसे ये सारा ये जो बच्चों पर तशद्दुद के वाकयात अब ज्यादा बढ़ चुके हैं, ज्यादती के केसेस बढ़ चुके हैं, जो बच्चे जो है वो घरों में काम कर रहे हैं वो सिक्योर नहीं है इस वक्त में, वालदैन पैसों की खातिर बच्चों को दाव पे लगा रहे हैं, इसका कोई खास एक कोई बिल पास करवाया आपने कि इस तरह के वालदैन को भी जो है वो मुतनब्बे किया जाए और इस तरह के बच्चों की प्रोटेक्शन जिस तरह आप ले रही हैं, कितने को बच्चे जो है वो ले सकते हैं इस तरह? हमारे तो मुल्क का जो दरवाजा आप खटखटाएंगी वहां पर जो है वो कोई ना कोई ऐसा बच्चा मिलेगा जिसको पढ़ने
पढ़ने के लिए नहीं भेजा जा रहा, जिससे मेहनत मजदूरी कराई जा रही है और उनके घर का सारा सर्कल जो है वो उस बच्चे की वजह से चल रहा है, तो ये कब तक जो है वो ये सिलसिला चलेगा? और इसका कोई खास, कोई स्पेसिफिक, कोई एक कानून जो है वो बना है, इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, होगी, क्या होगा? जी बिल्कुल, आप सही कह रही है। देखिए बेसिक तो देखिए इसका रीजन क्या है कि पावर्टी है और लोगों में ये आगाही नहीं, तो कवानीन का भी लोगों को नहीं पता कि अगर वो एक 15 साल से कम उम्र बच्चे को, अपने बच्चे को रखवाते हैं तो वो एक जुर्म कर रहे हैं। दे डोंट नो दिस, तो इससे यू नो मतलब दे हैव एन ऑप्शन ना कि वो, अब जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब में मौजूद है, वो अगर बच्चे को हमें दे दें तो बच्चे का तो सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी ना, उसमें खाना पीना, उसको एजुकेशन तक हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, हर चीज इज डन बाय द गवर्नमेंट, तो वो दे हैव एन ऑप्शन। लेकिन क्योंकि वो बच्चे उनके लिए बिजनेस है, देखिए वो बिजनेस का जरिया है, वो कमा रहे हैं, तो वो उसका सब्सिट्यूट उनके पास है नहीं, तो इसलिए वो इस चीज में है। लेकिन अगर ये लॉ स्ट्रिक्ट हो जाए ज्यादा, मतलब इसकी इम्प्लीमेंटेशन लॉ तो देखिए बहुत अच्छे कानून मौजूद है, जैसे मैंने आपको बता भी दिया पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना, मतलब जहाँ पे नजर आ रहे हैं कि बच्चा कम उम्र एम्प्लॉय कर रहे हैं उसको अरेस्ट करें उस आदमी को जो ये कर रहे हैं, तो ये जब ये अकाउंटेबिलिटी होगी तो ये ऑटोमेटिकली ये चीज खत्म हो जाएगी। ऐसा ही है। और दूसरी बात, शहरी जो है, आई थिंक जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम देखते हैं प्रोफेशनल्स ने हायर किए हुए हैं, इतने पढ़े लिखे लोगों ने बच्चों को हायर किया, उनके अंदर भी थोड़ी अकल होनी चाहिए, ये जब अलाउड नहीं है और ये बच्चे की फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, दे शुड नॉट एम्प्लॉय, तो आपने अपने बच्चों से खेलने के लिए साथ दूसरे बच्चों को रख लेते हैं और फिर उनको जहनी टॉर्चर भी किया जाता है, जिस्मानी टॉर्चर भी जो है वो उनको दिया जाता है, अपने बच्चे को सिक्योर करने के लिए उस बेचारे बच्चे ने कुछ नहीं भी किया होगा, जो साथ बच्चा रखा हुआ है तो भी उसी को कसूरवार जो है वो ठहरा दिया जाएगा, ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। जी बिल्कुल, और मैं आपके चैनल के थ्रू हमारी हेल्पलाइन 1121 का भी बताना चाहूंगी लोगों को, क्योंकि लोगों में इतनी इसके बारे में आगाही नहीं है कि अगर वो किसी बच्चे के साथ टॉर्चर का कोई इंसिडेंट देखें या बच्चों में कोई अबनॉर्मल एक्टिविटी देखें, किसी बच्चे का गैर मामूली बिहेवियर देखें, हमें हेल्पलाइन 1121 पर इन्फॉर्म करें ताकि हमारी टीम जाके उस बच्चे को रेस्क्यू करे और कार्रवाई की जा सके मुजरिम के खिलाफ। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सारा अहमद, आपने हमें ज्वाइन किया।